हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो अब की बार सचिवालय पार के तहत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम उसमें पूछे गए हैं। तो आज का सेशन होने जा रहा है जेपीएससी असिस्टेंट एग्ज़ाम 2007 यानी कि जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007। पहला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, यानी कि नागवंश के द्वारा पंचमंजिला भवन बनाया गया था, यानी कि 5 फ्लोर का बिल्डिंग उस समय बहुत ही रेयर था और ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया था। नवरत्न उस बिल्डिंग का नाम था नवरत्न। ऑप्शन हैं पालकोट, रातू, दोईसा, नागफेनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोईसा में नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? नागवंशी राजाओं के द्वारा। क्वेश्चन 2, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित क्यों हुआ, यानी कि दोईसा से जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, उनको हटा दिया गया क्यों? ऑप्शन से ए, दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया। ऑप्शन बी, जल की कमी थी। ऑप्शन सी, दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। ऑप्शन डी, जंगली जानवरों का डर था। यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दोईसा में युद्ध में पराजित हुए और वहाँ से उनको भागना पड़ा, या फिर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया होगा, बैड लक माना होगा, या फिर वहाँ से डर कर भाग गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। ऑप्शन हैं ए, रामगढ़, बी, पद्मा, सी, इचाक, डी, हजारीबाग। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में ऑप्शंस अप्रोप्रिएट ऑप्शंस नहीं है, उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न गलत हुआ होगा और इस प्रश्न को जरूर ही डिलीट कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो रामगढ़ राज्य की जो राजधानियाँ थी, शुरू में सिसिया थी और बाद में अन्य राजाओं द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह के द्वारा की गई थी और सिसिया को राजधानी बनाया था। बाद में दलेल सिंह ने रामगढ़ को तथा तेज सिंह ने इचाक को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी और ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को राजधानी बनाई थी। आने के यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ये रामगढ़, बी, पद्मा और सी, इचाक, तीनों रामगढ़ राज्य की राजधानियाँ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में और हजारीबाग रामगढ़ राज्य की राजधानी नहीं थी, यहाँ पे ऑप्शंस हम नहीं छाट सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर इसमें से छाँटना हो तो हम पद्मा को टिक करेंगे, क्योंकि पद्मा सबसे फेमस राजधानी रही है और पद्मा में अभी तक भी जो राजमहल था, किला था, उसका अस्तित्व अभी तक भी मौजूद है। क्वेश्चन 4, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, पार्श्वनाथ की स्थली है, तो मधुबन में। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, मधुबन में। मिर्जागंज में सूर्य मंदिर है और टेम्पल, यहाँ पे फेमस टेम्पल है सन टेम्पल, बाकी राजधनवार गिरिडीह जिले के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर नहीं है। क्वेश्चन 5, झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है। ऑप्शन हैं ये तिलैया, बी, तेनुघाट, सी, चंद्रपुरा और डी, मैथन। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा, तिलैया। तिलैया डैम जो है ब्राकर नदी पर स्थित है, कोडरमा के बगल में, कोडरमा जिले में आता है। क्वेश्चन 6, पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन सी ए, रांची, पी, गुमला, सी, लोहरदगा और डी, लातेहार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गुमला जिले में पालकोट आश्रयणी स्थित है, गुमला जिले में, याद रखेंगे। क्वेश्चन 8, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी ए, दुमका, बी, रांची, सी, हजारीबाग और डी, चतरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, यानी कि हजारीबाग के डेमोटाण में स्थित है चावल अनुसंधान संस्थान और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित है। क्वेश्चन 9, छिन्न मस्तिका मंदिर, जिसको कि रजरप्पा मंदिर भी बोलते हैं, कहाँ पे और किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी ए, दामोदर, बी, दामोदर भैरवी, और भैरवी का दूसरा नाम भेड़वा नदी, भेड़ा नदी बोलते हैं। ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा।
ऑप्शन डी दामोदर बराकर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, जहाँ पर माता का जो प्रतिमा है उनके सर जो है धड़ से अलग किया गया है, इस प्रकार की वहाँ मूर्ति है। शक्तिपीठ स्थल है, काफ़ी फेमस है और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। क्वेश्चन 10, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 210, बी 212, सी 213, डी 214। यहाँ पे ऑप्शंस में ये पुराना प्रश्न है, 2007 का प्रश्न है। वर्तमान में झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है, इसलिए इस प्रश्न को नहीं देखेंगे, लेकिन याद रखेंगे प्रखंडों की संख्या 264 है। आगे देखते हैं, जेपीएससी तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2008 का प्रश्न है, जेपीएससी का। क्वेश्चन 1, राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.6% है जीडीपी में योगदान। क्वेश्चन 2, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.72%, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो आपको पता होगा कि झारखंड राज्य बनते समय 18 जिले थे और अभी 6 जिलों का बाद में गठन किया गया है, एक बार में 4 जिलों का गठन किया गया, फिर अंत में 2 जिलों का गठन किया गया, इस प्रकार से 24 जिले हैं जिसमें 6 बाद में बने हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन 4, झारखंड की साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 66.4% है लिटरेसी रेट, या फिर आप कहीं कहीं ऑप्शन में 67% मारेंगे। अगला है झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 प्राइमरी टीचर। तो यहाँ पर हल्के हल्के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सभी को पता होगा ऑप्शन ये 15 नवंबर 2004 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन 2, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, कितने नंबर का है? ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा 28वां राज्य है। क्वेश्चन 3, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है, अभी भी बताएं झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये, तो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी कोडरमा जिले में। क्वेश्चन 4, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा DSSC या JPSC में, तो आप यदि आपको पता नहीं है तो आप झारखंड को टिक करेंगे, ऐसे आपको पता है तो आप अच्छी बात है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा झारखंड में, क्योंकि झारखंड के संबंध में एग्ज़ाम है तो झारखंड की चीज़ें ही इसमें पूछेगी, झारखंड को ही टिक करें। क्वेश्चन 5, सिकनी कोयला परियोजना कोल प्रोजेक्ट झारखंड के किस स्थान पे है? ऑप्शन से ए रांची, बी लातेहार, सी जमशेदपुर और डी पलामू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी यानी कि लातेहार में स्थित है सिकनी कोयला परियोजना। क्वेश्चन 6, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो 81 और 82 में, क्योंकि यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है तो 82 आंसर टिक करेंगे, क्योंकि एक मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि, बाकी 81 का चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं और प्लस 1 मनोनीत। तो अगर यहाँ पर पूछेगा झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो आप 81 को टिक करेंगे, या फिर 82 ऑप्शंस में नहीं रहेगा तो आप 81 को टिक करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में JPSC में पूछे गए थे और प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 में भी पूछे गए थे। आगे इस तरह से हर साल का प्रश्न, हर एक एग्जाम का झारखंड GK का प्रश्न आपको रिविज़न करवाएंगे, साथ ही उसका डिफाइन भी करेंगे। और अगर आप झारखंड करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप JSSC से जल 2019 प्लेलिस्ट जो है उसमें जाएं और सभी प्रश्नों को देखें। तो फ्रेंड्स, जितने भी JSSC, JPSC, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, SI के एग्ज़ाम्स होंगे, साथ ही रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए GK, GS, करंट अफेयर्स जितने भी वीडियोस होंगे सभी फ्री में और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, साथ ही और
अच्छे लैपटॉप ट्राइपॉड के माइक्रोफोन के माध्यम से अच्छी वीडियो एडिट करके आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए मुझे संसाधन के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ जितना आपसे बन सके 25, 50, 100 या फिर कुछ भी आप हेल्प करें। तो इसके लिए गूगल पे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ ही आप स्क्रीन पर गूगल पे नंबर और गूगल पे आईडी देख सकते हैं नौकरी स्टडी का। आप हेल्प कर सकते हैं ताकि आप तक अच्छे से अच्छे झारखंड के जितने भी न्यूज़ होंगे, पॉलिटिकल्स न्यूज़ से लेकर हर एक प्रकार की न्यूज़, साथ ही नए जॉब्स के अपडेट मिलते रहे। और इस प्रकार से लगातार अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।